भारतीय विद्यापीठ स्कूल बैजनाथ के छात्रों ने जमा दो साइंस काय में चार छात्रों ने मेरिट में आकर प्रदेश भर में बैजनाथ का नाम रोशन किया है। भारतीय विद्यापीठ स्कूल के निदेशक नवनीत डोगरा ने बताया कि स्कूल में पहली बार चार लड़कों ने मेरिट में स्थान हासिल किया है, जिनमें अक्षित डोगरा ने 485 अंक लेकर पांचवा स्थान, अमनदीप राणा ने 484 अंक लेकर छठा स्थान, अनिवेश अवस्थी ने 481 अंक लेकर नौवां स्थान तथा आलोक वरवाल ने 480 अंक लेकर दसवां स्थान हासिल किया है। नवनीत टोकरा ने कहा कि सभी बच्चों को सम्मान पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ बच्चे काफी मेहनत करते हैं। इसका सारा श्रेय इन छात्रों, अभिभावकों तथा मेहनती अध्यापकों के योगदान का नतीजा है। उन्होंने बच्चों की इस उपलब्धि पर अभिभावकों तथा स्कूल प्राध्यापकों को बधाई दी तथा बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इसमें सबसे बड़ा योगदान तो बच्चों का ही है बेसिकली, क्योंकि सभी बच्चों को एक समान पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ बच्चे हट के जब कुछ अच्छा करते हैं तो ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है। और दूसरा, जो फैकल्टी है, डेडिकेटेड फैकल्टी यहाँ पे, उसका बहुत बड़ा योगदान है। इन बच्चों को जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करवाई है, शायद उसी का ये नतीजा है। प्लस टू की परीक्षा में प्रदेश भर में पांचवें स्थान पर रहने वाले अक्षित डोगरा ने बताया कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए स्कूल के बाद 5 घंटे और परिश्रम कर यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने बताया कि वह उपमंडल के नगेट गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता सुनील कुमार फार्मासिस्ट तथा माता मीना देवी गृहिणी हैं। उनकी एक छोटी बहन आस्था डोगरा प्लस वन में इसी स्कूल में पढ़ती है तथा वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं। मैं स्कूल से जाके 5-6 घंटे पढ़ता था और फिर रिवाइज करता था सब कुछ जो पढ़ाते थे, और अब आगे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। जो यहाँ अध्यापकों ने आपको पढ़ाया, उससे कितना आप जो पढ़ाते थे, मैं सारा घर में रिवाइज करता था। प्लस टू की परीक्षा में प्रदेश भर में छठा स्थान हासिल करने वाले अमनदीप राणा ने बताया कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए कड़ी परिश्रम कर यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने बताया कि वे उपमंडल के दनीन गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता अशोक राणा एक्स सर्विसमैन तथा माता कृष्णा देवी गृहिणी है। वो NDA कर सेना अधिकारी बनना चाहते हैं। कैसे पढ़ते, कितने घंटे पढ़ते आप, कैसे पढ़ाई करते थे? सर मैं पढ़ता था कोई 6 घंटे पढ़ता था। और आगे क्या उद्देश्य है आपका? सर मैंने आगे सोचा एनडी के बारे में सोचा। आर्मी की। प्लस टू विज्ञान स्काई की परीक्षा में प्रदेश भर में नौवां स्थान हासिल करने वाले अभिनेश अवस्थी ने बताया कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए कड़ा परिश्रम कर मुकाम हासिल किया है। उन्होंने इसके लिए अपने गुरुजनों के साथ माता पिता व अपनी मासी को श्रेय दिया है। उन्होंने बताया कि आगे वाणिज्य विषय पढ़ाई करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। अनिवेश अवस्थी के पिता लड़भड़ोल में बिजनेसमैन हैं, वो माता स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं। किसको श्रेय देना चाहते हैं आप, किस अपनी जो उपलब्धि पर? पेरेंट्स और मेरी मासी, वो मासी ने बड़ी मेहनत की है और पेरेंट्स ने भी काफी मेहनत की है, उन्हीं को देना चाहता हूँ श्रेय सारा। प्लस टू की परीक्षा में प्रदेश भर में दसवां स्थान हासिल करने वाले आलोक वरवाल ने बताया कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए कड़ी परिश्रम कर यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने बताया कि वह मंडी जिला के एहसू गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता प्रकाश चंद कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में कार्यरत है तथा माता केंद्र चौतड़ा में कार्यरत है। वो इंजीनियर बनना चाहते हैं। जब मेरा मन करता था मैं तभी पढ़ता था, और जब समझ आता था तभी पढ़ता था, ऐसे नहीं आता तो छोड़ देता था, उतना वो नहीं था उसका। इसके लिए आपने क्या ट्यूशन भी पढ़ाई पड़ी? घर पे, सिर्फ घर पे और स्कूल पे। आगे क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर। इंजीनियर किस में? मैकेट्रॉनिक्स में।